बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही अल्प सूचना के अंदर एक बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। हजारों हजारों की तादाद में बाड़मेर के कोने कोने से आप लोग पधारे और बजरी माफिया के खिलाफ जो आज आपने यहाँ आवाज प्रकट की, निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव का संकेत बाड़मेर की धरा से आता हुआ दिख रहा है। सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने भी बताई, समय का थोड़ा अभाव है और हनुमान जी हमें जैसा भी निर्देश देंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी जिसने हर पीड़ित दलित और जिस व्यक्ति ने भी हनुमान जी को पुकारा उसकी मदद के लिए राजस्थान के कोने कोने तक में गए। इन्होंने निर्देश भी दे रखे हैं कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इन दोनों सरकारों की मिलीभगत से जो 75 साल से देश की आजादी के बाद लगातार जो जब से एक लोकतंत्र की परंपरा बनी, मिला जुली का खेल एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो चला आ रहा है और उसी का ये नतीजा है कि आज हम जिस बदरी माफिया की बात करते हैं, आज कांग्रेस का खास हो गया, वही बदरी माफिया जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब वसुंधरा जी का खास था। ये लोग हजारों करोड़ का चंदा जो है इन बड़ी पार्टियों को देके और जनता से पैसे वसूल करते हैं। इन सब बातों को आपको बहुत गहराई से सुनना है, हनुमान जी आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा क्योंकि जागृति का समय है और एक किसान के बेटे ने 25 साल के लंबे संघर्ष के बाद राजस्थान के अंदर अलग से एक पार्टी बनाई जो किसान और जवान की हमेशा हित की बात करती है। मैं तो इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, जो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ पूरे प्रदेश के गांव गांव और डाणी डाणी तक पहुंचा है, उन्होंने खुशहाल और समृद्ध राजस्थान की और खुशहाल और समृद्ध किसान की जो कल्पना की है उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए आप इनके कंधे हमेशा मजबूत करना, इतना निवेदन मैं आप सबसे करूंगा। अभी आपको हनुमान जी सारी बातें बताएंगे, मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जय हिंद।